सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जा रही दोस्तों अंश को मेला दिखाने। अंश हमारा जिद कर रहा इसलिए जाना पड़ रहा। हमारे गांव के पास में ही मेला लगा हुआ है। आप सबको वहां का लोकेशन जरूर मैं दिखाऊंगी, आप सबको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर मेला देखने आई हूँ। देख लीजिए यहाँ का लोकेशन किस तरह है, यहाँ पर देख लीजिए। मैं आप सबको वहाँ का लोकेशन नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए खराबा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ करना। मैं बच्चों को भीड़ भाड़ वहाँ पर लेके जाएंगे, दिखाएंगे, वहाँ पर शोर शराबा रहेगा, आप सबको वहाँ का वीडियो नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर चार समोसा हर चीज का दुकान लगा हुआ है और यहाँ पर लोकेशन आता है। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं बच्चों को मेला दिखाने आई इसलिए टाटा कर लो हंस रहे हैं दोस्तों। हमारा बाबू बहुत खुश है, वहाँ पर हमको देख रहे हैं। दोस्तों मैं गई थी मेला देखने, आप सबको वहाँ का थोड़ा सा ही लोकेशन दिखा पाई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं नहीं पूरा वीडियो शूट कर पाई थी। मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, खाना बना रही हूँ, चावल डाल देती हूँ। यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है दोस्तों, घर में बनाने में खाना वहाँ पर तो गर्मी लगती, इसलिए मैं बाहर बना रही हूँ, चावल डाल देती हूँ, देते हैं चावल को। दोस्तों मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ, किस इसलिए बाहर बनाती हूँ, जब उस घर में गर्मी लगती है इसलिए मैं बाहर चूल्हा भी रखी हूँ। कभी बाहर बनाती हूँ, कभी अंदर बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं आटा सान के रखी हूँ, वहाँ पर लौकी की सब्जी है और चावल हमारा हो जाएगा तभी बारी बारी से बनाऊंगी। यहाँ पर बाबू हमारा रोने लगता है, इसलिए मैं बाहर से बाबू को देख लेती हूँ। और बाबू हमारा सो रहा, इसलिए देर हो जाता है, रोने लगता है, खाना बनाने में लेट हो जाता है। खेत का काम होता है, इस समय बहुत भीड़ है खेत में। भैया नए होंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलिए। आप सब हमारा साथ सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। और देख लीजिए हमारा अंश गया था मेला देखने और ये लिए है, गुड्डा लिए है, ये करीब 10 रुपये मिलता है। दोस्तों हमारे गांव के पास में ही मेला था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, इसलिए मैं गई थी मेला। थोड़ा सा आप सबको उसमें लोकेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर बाबू हमारा किस तरह खेल रहा है, अंश कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इस तरह हमारा सार सपोर्ट देते रहें माता रानी, आप सबको हर मनोकामना पूरी। हमारा वीडियो इस तरह इसलिए मैं रेसिपी अच्छी अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। जब मैं काम अगले वीडियो में ज़रूर मैं आप सबको रेसिपी अच्छी तरीके से ज़रूर दिखाऊँगी बनाकर खाना। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।